कैंडी क्रश खेलने वाले टीचर की आई शामत। देश के भविष्य के साथ कर रहा था खिलवाड़। टीचर की मोबाइल हिस्ट्री से हुआ बड़ा खुलासा। अभी मैंने देखा कि एक प्रश्न में कुल 9 त्रुटियां। अब आप सोच के देखिए, जब शिक्षक इतनी त्रुटियां करेंगे तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे। सुना आपने, ये डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया हैं और ये कारनामा सुना रहे हैं संबल के प्राइमरी स्कूल के एक टीचर की। सोचिए, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, उन्हें लगता है स्कूल में मास्टर जी उनके बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, उनकी गलतियां दूर करेंगे, लेकिन जब मास्टर जी ही हर पन्ने में 30-30 गलतियां करने लगे तो बच्चे क्या सीखेंगे। खैर, ऐसा नहीं है कि मास्टर जी को कुछ आता नहीं है, दरअसल टीचर जी तो कैंडी क्रश में व्यस्त थे, जिसकी वजह से बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे थे। फोन से नजरें हटती तब जाकर कुछ कर पाते। हुआ ये कि संबल डीएम ने गांव शरीफपुर के प्राइमरी स्कूल के टीचर की क्लास में कैंडी क्रश खेलते हुए पकड़ लिया। मोबाइल की हिस्ट्री चेक की गई तो हैरान रह गए। टीचर 15 से 20 मिनट नहीं बल्कि 3-3 घंटे से मोबाइल चला रहे थे, जिसमें करीब 1.5 घंटे तो गेम में व्यस्त रहे। इस दौरान YouTube, Facebook और Instagram भी चलाए। जितने भी हमारे शिक्षक गण हैं, ये विद्यालय के अंदर मोबाइल न देखें। अभी एक शिक्षक ने हमें दिखाया, हमने कहा आप अपनी डिजिटल वेलबींग दिखाओ, तो जब मोबाइल देखा तो वो शिक्षक 8 बजे विद्यालय में आए हैं। अभी 2 बजे का समय हुआ है और लगभग 2.5 घंटे कैंडी क्रश सागा देख चुके हैं, वो खेल चुके हैं कैंडी क्रश सागा। उसके अतिरिक्त लगभग 1 घंटा और वो मोबाइल पर थे, जिसके बाद डीएम डॉक्टर राजेंद्र ने टीचर प्रियम गोयल को जमकर फटकार लगाई। उसके बाद बच्चों की कॉपियां चेक की, जिसमें एक पेज में 30 गलतियां मिली। ये देखकर डीएम नाराज हो गए, उन्होंने प्रियम गोयल को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।